हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन नेचुरल मेडिको। आज हम बताने जा रहे हैं सांप के काटने पर सबसे पहले प्याज कूटकर लगभग 100 ग्राम रस निकालें, फिर प्याज का रस और शुद्ध सरसों का तेल 30-30 ग्राम लेकर अच्छी तरह मिला लें। ऐसी एक मात्रा तत्काल ही सर्पदंशित सांप के काटे रोगी को पिला दें, फिर आधा आधा घंटे के अंतराल से ऐसी ही एक एक मात्रा सेवन कराते रहने से सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति को अवश्य ही लाभ हो जाता है। यह प्रयोग या उपचार एक विद्वान महात्मा जी का है, जिनका दावा है कि यह प्रयोग निरापद एवं अत्यंत लाभकारी है। प्राय 3 मात्रा ही पर्याप्त रहती है। सांप के काटते ही सर्वप्रथम बंधन बांधने योग्य अंग जैसे हाथ, पांव, जांग, उंगली आदि सर्पदंशित स्थान पर अथवा जहां तक जहर चढ़ चुका हो उससे 4-6 उंगल अथवा 8 सेंटीमीटर ऊपर कसकर मजबूत रस्सी, डोरी या कपड़े की पट्टी अथवा सुतली आदि से 3-4 उंगल के फैसले 2-3 बंधन बांध दें ताकि रक्त प्रवाह रुक जाए। ऐसा करने पर सर्पदंश का विष शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर हृदय को प्रभावित नहीं कर सकेगा। यदि सर्प ने शरीर में किसी ऐसे स्थान पर काटा हो जहां पर बंधन या बंध का बंधाना जाना संभव न हो तो काटे हुए स्थान के चारों ओर बर्फ लगाएं अथवा बिना देर किए व समय गंवाएं दंशित स्थान पर जलते हुए अंगारे रखकर जहर को जला दें या दंश स्थान थोड़ा किसी नस्तर आदि से छीलकर लोहे की गर्म सलाख धर से दाग दें। हालांकि यह जरा मुश्किल कार्य है किंतु बहुत लाभकारी है। शमरन रहे कि विषैले सांप के काटने के स्थान पर सांप के दांत के निशान अथवा खरोच स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तथा जहां पर सर्प विष होता है उस स्थान को चीरने से काला खून निकलता है। इसके अतिरिक्त शरीर में सर्पदंशित स्थान से आगे जहां तक सर्प विष पहुंचा होता है उस स्थान के बाल व रोंगटे गिरे हुए दिखाई देते हैं और ज्यों ज्यों जहर ऊपर चढ़ता जाता है नशों का रंग नीला पड़ता जाता है। सर्पदंशित स्थान पर तथा उसके आगे 4-5 अथवा आवश्यकता अनुसार अधिक बंधन बांधने के बाद बंधन के नीचे दंश स्थान पर तत्काल ही किसी तेज धार वाले औजार जैसे छुरी, चाकू अथवा नए ब्लेड आदि प्रयोग से पूर्व इसे फिट करी के पानी अथवा स्प्रिट या डिटॉल से साफ स्वच्छ कर लेने अथवा उबाला पानी डाल देने के बाद या फिर आग की लौ में लाल गर्म कर ले की सहायता से धन यानी जमा प्लस के आकार का गहरा चीरा लगा दें। इससे उस स्थान से खून बहने लगेगा जिससे खून के स्थान जिसके खून के साथ ही साथ खून में मिला हुआ जहर भी रोगी के शरीर से बाहर निकल जाएगा। यह क्रिया तत्काल ही जानी बहुत ही आवश्यक है। चीरा लगाने के बाद काटे हुए स्थान से दवा दबा कर विषैले खून बाहर निकालें। यदि काटे हुए स्थान पर बिना बुझे हुए चूने की ढली रखी जाए तो वह विषैले रक्त को सरलतापूर्वक अवशोषित यानी जज्ब कर लेगी। चिकित्सक लोग घाव को हल्का खुरच कर घाव पर पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के दाने बारीक पीसकर घाव में भर देते हैं अथवा 3-5 भाग दवा को 65 भाग जल में डालकर गर्म पानी से टकोर करते हैं या सर्पदंशित रोगी को 12 घंटे तक कदापि सोने न दे अन्यथा जहर सारे शरीर में फैल सकता है। अतः रोगी को दौरे बढ़ाने वाली एवं उत्साहजनक बातों में लगाए रखकर अथवा ठंडे जल के छींटे मार मार कर जगाए रखना चाहिए। और हाँ, रोगी को लिटाए
रखने की जगह बिठाए रखने का ही प्रयास करते रहना चाहिए। सर्पदंशित रोगी को शराब पिलाने अथवा एरोमेटिक अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेहोश रोगी को सुंघाकर होश में लाने वाली दवा अथवा चूने व नौशादर का संभाग मिलाया गया है। हिलाकर सुंघाया जाने वाला मिश्रण गलती से भी कभी नहीं सुंघाना चाहिए। विशेष बात यह है कि उपरोक्त प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत सर्पदंशित रोगी को किसी सुयोग्य चिकित्सक के पास अथवा राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए भेज देना चाहिए। इन उपयोगी बातों के साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सांप के काटने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं और न ही अधिकांश सांपों का जहर जानलेवा ही होता है। फिर भी सर्पदंशित रोगी को तुरंत ही किसी सुयोग्य चिकित्सक को दिखाना ही अच्छा रहता है।